जिस स्त्री को बार बार गर्भपात होता हो उसकी कमर में यदि धतूरे की जड़ को चार उंगली के टुकड़े के बराबर किसी धागे में बांध देते हैं तो इसे गर्भपात नहीं होता है। किसी भी महिला को इस जड़ को 9 महीने तक, जब तक गर्भ में बालक है तब तक बांध करके रखना चाहिए। धतूरे का फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, मन की कड़वाहट भगवान से दूर कर देते हैं। शिवलिंग पर अर्पित करने से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने से मन प्रसन्न रहता है और शिव भक्तों को उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है। सावन के महीने में नित्य प्रति एक धतूरे का फूल अथवा एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में जितनी भी बाधाएं हैं वह स्वतः दूर हो जाते हैं और जल्द ही संतान के सुख का लाभ मिलता है। मान्यता है कि काले धतूरे के पौधे में भगवान शिव का वास होता है और यही कारण है कि इस पौधे को घर में लगाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी व्यवसाय में या व्यापार में लगे हुए हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है। घर में काले धतूरे का पौधा लगाकर इसकी नियमित पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। घर के पूर्व दिशा में धतूरे के पौधे को लगाना श्रेयस्कर माना जाता है। इससे क्रूर ग्रहों के प्रभाव से भी लाभ मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में छोटे बालक हैं, इस पौधे को ना लगाएं क्योंकि यह एक विषैला पौधा होता है। यद्यपि इसे नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आपके घर में नन्हे मुन्ने नौनिहाल बालक हैं तो धतूरे का पौधा लगाते समय विशेष सावधानी रखें। यदि इस पौधे के किसी भी भाग का सेवन कर लिया जाए तो वह बहुत ही नुकसानदायक होता है। जितने भी तांत्रिक प्रयोग आपके जीवन में किसी के माध्यम से कराए गए होते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाओं वाली शक्तियाँ घर से दूर हो जाती हैं, घर के वास्तु में लाभ मिलता है, घर का वास्तु सुंदर बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।